हेलो दोस्तों, माय चॉइस जॉब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से मैं आपके सामने एक न्यू वैकेंसी लेके हाजिर हूँ जो कि हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से निकाली गई है। दोस्तों ये देखिए, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें काफ़ी वैकेंसियाँ दोस्तों, इसमें टोटल 42 प्रकार की वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसी इसमें निकाली गई। दोस्तों ये देखिए, जिसमें फर्स्ट वैकेंसी आपके सामने है दोस्तों, ये वैकेंसी है फर्स्ट वैकेंसी, जिसमें टोटल 6 पोस्ट है दोस्तों। इलेक्शन नायब तहसीलदार, ये देखिए दोस्तों, जिसकी वैकेंसी निकाली गई है। इसमें टोटल 6 वैकेंसी हैं, जिसमें से 4 वैकेंसी जनरल कैटेगरी वालों की और एक वैकेंसी बीसी ए की, एक बीसी बी की वैकेंसी। दोस्तों टोटल वैकेंसी 6 हैं दोस्तों, और इसमें आपकी उम्र सीमा 17 वर्ष से 42 वर्ष रहेगी और आपकी सैलरी रहेगी 35,400 से 11,200, सॉरी 1,12,400। और आपके क्वालिफिकेशन है इसमें, ये देखिए आपके सामने है, अगर आपने बीए या बीकॉम की है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आपका 10th और 12th में हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट होना अनिवार्य है दोस्तों, इन दोनों में से एक सब्जेक्ट आपके पास होना अनिवार्य है। और नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों ये देखिए आपके सामने है, जैसे ये वैकेंसी है आपकी इलेक्शन कोंगो की दोस्तों, जिसमें टोटल 21 पोस्ट हैं। ये देखिए आपके सामने 21 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी वालों की 10 पोस्ट, एससी की 10, बीसी ए की, सॉरी एससी की 4 वैकेंसी, बीसी ए की 3, बीसी बी की 4, टोटल 21 वैकेंसियाँ हैं दोस्तों। इसमें भी आपकी सेम उम्र रहेगी और सेम सैलरी रहेगी और सेम क्वालिफिकेशन भी रहेगी दोस्तों। और नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी, ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, ये है पब्लिक वर्कर डिपार्टमेंट की दोस्तों, ठीक है, ये है पब्लिक वर्कर डिपार्टमेंट की, जिसमें टोटल आपकी 117 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी वालों की हैं टोटल 69 वैकेंसी और एससी की 21 वैकेंसी, बीसी बी की 12 और बीसी ए की 12 और बीसी बी की 11 वैकेंसी, और इसमें एक्स सर्विस मैन की भी 4 वैकेंसियां निकाली गई हैं दोस्तों। और इसमें भी आपकी उम्र सीमा सेम रहेगी, 18 वर्ष से 42 वर्ष, और इसमें आपकी सैलरी रहेगी 5,200 प्लस 20,200 प्लस ग्रेड पे 2,400 दोस्तों, ये आपकी सैलरी रहेगी दोस्तों। और अगर आपने, ये देखिए आपकी क्वालिफिकेशन, अगर आपने 10th पास की है और साथ में आपको हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट किया है, तो दोस्तों आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपका इसमें बिल्डिंग मेंटेनेंस का दोस्तों आईटीआई का सर्टिफिकेट भी मांगा गया है दोस्तों, और 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इसमें। इसी तरह है, इसमें टोटल 42 तरह की वैकेंसियां निकाली गई हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आपके सामने है दोस्तों, ऑटो डीजल मैकेनिक की, जिसमें टोटल 39 वैकेंसी हैं। ये देखिए कैटेगरीज वाइज वैकेंसी आपके सामने है, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें उम्र सीमा यह रहेगी और सेम इसकी सैलरी भी रहेगी दोस्तों। अगर मैं आपको इसमें की सारी जानकारी दूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ दोस्तों। इसमें ये देखिए, इसकी क्वालिफिकेशन आपके सामने है, इसके अगर आपने 10th और साथ में मोटर डीजल या मोटर मैकेनिक व्हीकल ट्रेड का आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा है और साथ में आपका 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट वैकेंसी है कारपेंटर की, जिसमें टोटल वैकेंसियां हैं 33, और इसमें भी आपकी सेम सैलरी रहेगी और सेम उम्र सीमा आपकी रहेगी और सेम क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी। जी देखिए दोस्तों, जैसे इसमें 10वीं विद आईटीआई आपकी कारपेंटर ट्रेड के साथ, और इसमें 3 ईयर का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों। नेक्स्ट वैकेंसी है प्लम्बर की, जिसमें टोटल वैकेंसियाँ 4, चारों वैकेंसियाँ जनरल कैटेगरी के वालों के लिए रिजर्व हैं। इसमें भी सेम सैलरी और सेम उम्र सीमा
और सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है दोस्तों, आपका ITI पास होना चाहिए प्लम्बर ट्रेड में और दो ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी टेलीफोन ऑपरेटर की, जिसमें टोटल 9 वैकेंसियां हैं। इसमें भी आपका दोस्तों वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 ईयर का, और साथ में आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। और लास्ट में ये देखिए 8 नंबर पर एक वैकेंसी है दोस्तों, जिसके लिए आपकी उम्र सीमा आपकी मांगी गई है 17 वर्ष से 42 वर्ष, और आपकी अगर आपने 10th या 12th पास किए तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और 2 ईयर का आपका डिप्लोमा होना चाहिए ITI का, सर्वेयर का, और साथ में आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इस ट्रेड में। नेक्स्ट है ये पेंटर की वैकेंसी दोस्तों, जिसमें टोटल वैकेंसियाँ 27 हैं। आप कैटेगरीज वाइज वैकेंसियाँ देख लेना दोस्तों इसमें, और इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है, इसमें भी ITI और 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट वैकेंसी है मैसून की, ये देखिए दोस्तों मैसून की, जिसमें टोटल 23 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें से 22 वैकेंसियाँ जनरल कैटेगरी वालों की और एक SC कैटेगरी वालों की लिए रिजर्व है। इसमें भी आपकी ITI और 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट है वैकेंसी मैकेनिक ही दोस्तों, ये देखिए आपके सामने, इसमें टोटल 7 वैकेंसियां हैं, और इसमें भी क्वालिफिकेशन आपकी सेम रहेगी ITI और 10th ITI और 2 ईयर का एक्सपीरियंस। इसी तरह दोस्तों इसमें काफ़ी वैकेंसियां निकाली गई हैं। ये सारी वैकेंसियां दोस्तों इसमें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी तक की सारी वैकेंसियां इसमें ITI पास वालों की हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों इलेक्ट्रीशियन की दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी वैकेंसी, इसमें टोटल 115 वैकेंसियां हैं, और इसमें आपकी क्वालिफिकेशन आपकी 10th या 12th पास किया है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 2 ईयर का ITI का डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों, साथ या इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। इसी तरह नेक्स्ट वैकेंसी है 16 नंबर पे, ये देखिए 7 वैकेंसी है, इसमें मैकेनिक टूल ऑपरेटर की वैकेंसी है दोस्तों, जिसमें 7 वैकेंसियां हैं। इसमें भी आपका ITI मांगा गया है दोस्तों। इसी तरह इसमें सभी इन वैकेंसियों में ITI मांगा गया है दोस्तों। ये देखिए नेक्स्ट वैकेंसी है स्टोर कीपर की, जिसमें टोटल 15 वैकेंसियां हैं। इसमें आपकी ITI नहीं मांगी गई दोस्तों, इसमें आपका 10th पास मांगा गया है, और साथ में आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों, और आप साथ में आपकी कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। इसमें ओनली आपका 10th पास मांगा गया है, अगर आप 10th पास की है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये नेक्स्ट वैकेंसी है फिटर एवी मैकेनिक की दोस्तों, जिसमें टोटल वैकेंसियां हैं 39, ये भी ITI वालों के लिए है दोस्तों। और नेक्स्ट वैकेंसी है ब्लैक स्मिथ की, इसमें आपका ओनली 10th पास मांगा गया है दोस्तों, जिसमें टोटल वैकेंसियां हैं 6। अगर आपने 10th पास किया है और साथ में आपके पास 8 ईयर 8 ईयर का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है वर्कशॉप की दोस्तों, वर्कशॉप मैकेनिक ऑपरेटर की, जिसमें टोटल वैकेंसियां हैं 14। इसी तरह दोस्तों काफ़ी वैकेंसियां इसमें निकाली गई हैं दोस्तों, ये भी ITI वालों के लिए दोस्तों। इसमें ये वैकेंसियां ITI वालों के लिए निकाली गई हैं दोस्तों, और ये देखिए वैकेंसी दोस्तों आपके सामने, ये एक अच्छी वैकेंसी दोस्तों, जिसमें 32 पोस्ट है, ये इंस्पेक्टर के पद पर निकाली गई है दोस्तों। और इसमें उम्र सीमा जैसा कि मैंने आपको बताया था 42 वर्ष, अगर आपने ग्रेजुएशन पास है तो आप इसको
अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वैकेंसी ये आपके सामने है सेक्शन ऑफिसर की, जिसमें 5 वैकेंसियां हैं टोटल। और इसमें आपकी ये देखिए ग्रेजुएशन कॉमर्स से, अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और 3 ईयर का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, इसी तरह आपकी इसमें टोटल 42 तरह की वैकेंसियां निकाली गई हैं। ये फिर से इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है दोस्तों, ये जूनियर मैकेनिक की। और ये देखिए दोस्तों, अकाउंट क्लर्क, जिसमें टोटल 11 वैकेंसियां निकाली गई हैं, जिसमें उम्र सीमा आपकी 17 वर्ष से 42 और बैचलर डिग्री आपके पास होनी अनिवार्य है। और नेक्स्ट वैकेंसी है स्टोर कीपर की, जिसमें टोटल 3 वैकेंसियां हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन विद 2 ईयर का एक्सपीरियंस है आपके पास स्टोर का, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट वैकेंसी ये है बहुत अच्छी वैकेंसी दोस्तों, जिसमें कलर की वैकेंसी है, जिसमें टोटल 6 पोस्ट हैं। और ये 10th वालों के लिए है दोस्तों, साथ में आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है कलर का। इसी तरह दोस्तों, इसमें टोटल 42 तरह की वैकेंसियां हैं। नेक्स्ट वैकेंसी देखिए मार्केटिंग असिस्टेंट की है। और नेक्स्ट वैकेंसी है TGT की, जिसमें 176 वैकेंसियाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छी वैकेंसियां हैं। और इसमें नेक्स्ट वैकेंसी मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वैकेंसी आपके सामने है टर्नर इंस्ट्रक्टर थ्योरी का दोस्तों, जिसमें टोटल 93 वैकेंसियां हैं। क्वालिफिकेशन आपके सामने है दोस्तों, आप देख लेना, अगर मैं सभी की क्वालिफिकेशन बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये नेक्स्ट वैकेंसी भी दोस्तों, जिसमें 144 हैं वैकेंसियाँ हैं। और ये फीटर इंस्ट्रक्टर थ्योरी की वैकेंसी है। और नेक्स्ट वैकेंसी ये आपके सामने है दोस्तों, कारपेंटर इंस्ट्रक्टर प्रैक्टिकल की दोस्तों, जिसमें टोटल 14 पोस्ट हैं। इसी तरह दोस्तों, इसमें टोटल इसमें दोस्तों 42 से 43 तरह की वैकेंसियां निकाली गई हैं। अब मैं आपको इसमें ज़रूरी जानकारी बताता हूँ, आपकी फ़ीस बता देता हूँ दोस्तों। ये देखिए, पोस्ट नंबर 1, 2, 25, 26, 31, 33, 34 और 42 की आपकी इसमें फ़ीस मेल कैंडिडेटों की मेल और फीमेल की 150 रुपये ली जाएगी। और जो हरियाणा की रहने वाले महिला कैंडिडेट हैं, उनकी 75 रुपये फीस ली जाएगी। एससी कैटेगरी वालों, एससी बीसी ईडब्ल्यूएस वालों की, मेल कैंडिडेटों की हरियाणा स्टेट की 35 रुपये और फीमेल की 18 रुपये फीस ली जाएगी दोस्तों। वैकेंसी नंबर 3 से 24 तक के 27, 30 और 32 की फ़ीस इसमें 100 रुपये फ़ीस ली जाएगी। और फीमेल की 50 रुपये, एससी बीसी और ईडब्ल्यूएस की हरियाणा के उम्मीदवारों की मेल की 25 और फीमेल की 13 रुपये फ़ीस ली जाएगी दोस्तों। और पीडब्ल्यूडी वालों की और एक्स सर्विसमैन की इसमें कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। इसमें दोस्तों ये नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ज़रूरी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। और इसमें आपका मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कब होंगे और इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे दोस्तों, इसके आप हो चुके हैं, मतलब इसके 3 मार्च से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट थी इसकी 24 मार्च,
जो कि बढ़ाकर 27 मार्च कर दी गई है दोस्तों। और इसके फॉर्म ऑनलाइन मोड से एक्सेप्ट किए जाएंगे दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना दोस्तों, ताकि आपको न्यू अपडेट सबसे पहले मिल सके। अगर आपको इसमें कुछ जानकारी अधूरी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं दोस्तों, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।